पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देने के लिए इंडिया ने अपने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात करने का अनाउंस कर दिया है। इसके साथ ही आर्मी चीफ ने कहा है कि इन चॉपर्स को वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा जहां पर पाकिस्तान की आर्मर्ड कॉलम्स का यानी कि उनकी टैंक रेजिमेंट्स का खतरा है। मीडिया से बात करते हुए जनरल ने कहा कि 6 आर्मी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स आर्मी यूनिट्स को दिए जाएंगे जो कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं। फोर्सेस और वेपन्स की जो कि रीबैलेंसिंग की जा रही है उसको एक्सप्लेन करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट चाहती है तो उस एरिया को वापस लिया जा सकता है और हम उसे वापस लेने के लिए तैयार हैं और पूरी तरह एक्शन भी लेंगे। चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज़ के ऊपर फोकस शिफ्ट करते हुए जनरल ने कहा कि इंडिया की पहली प्रायोरिटी पीस मेंटेन करने की है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें दोनों साइड से खतरा है। उन्होंने कहा कि हमें दोनों साइड्स के ऊपर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने वेपन सिस्टम को बैलेंस करना होगा। हम अपने नॉर्थन बॉर्डर के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग, रोड्स, हैबिटेट और वेपन स्टोरेज के लिए आगे बढ़ेंगे और इसके साथ ही हम अपने ईस्टर्न साइड के ऊपर एडवांस्ड वेपनरी को मूव करेंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर एक पूरी तरह डेजिग्नेटेड अटैक हेलीकॉप्टर है। ये इंडिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि पूरी तरह अटैक हेलीकॉप्टर है। इससे पहले इंडिया के पास MI-35 हेलीकॉप्टर्स थे जो कि मेनली ट्रूप्स फॉरवर्ड कॉम्बेट एरियाज में कैरी करने के लिए बनाए गए थे, वो पूरी तरह अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। इसके आ जाने के बाद इंडिया के अटैक हेलीकॉप्टर्स की कमी को भी पूरा कर दिया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ ही चिनूक हैवी लिफ्टर हेलीकॉप्टर्स को भी खरीदा गया था। इन न्यूली इंडक्टेड अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे और ट्रांसपोर्ट चॉपर चिनूक को इस साल 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे पर परेड का हिस्सा बनाया जाएगा। चिनूक फॉर्मेशन में 3 नए इंडक्टेड ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इसके बाद अपाचे फॉर्मेशन आएगी जिसमें लेटेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स आएंगे। इस फॉर्मेशन में 5 अटैक हेलीकॉप्टर्स एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ते दिखेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।